स्कूटर ज्यादा पॉपुलर है या बाइक 8 साल में पहली बार बदली है। हवा 8 साल में पहली बार स्कूटर के मुकाबले बाइक की रफ्तार ज्यादा बढ़ गई है। होंडा की अगुवाई में स्कूटर के बाजार ने बाइक के बड़े बाजार पर दबाव बना रखा था, लेकिन इस बार हवा बदल गई। इस साल के पहले 5 महीने में बाइक की बिक्री में 22% की दर से बढ़ी है, जबकि स्कूटर की बिक्री की रफ्तार सिर्फ 15% बढ़ी है। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, हम स्कूटर और बाइक की बिक्री की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी बिक्री में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बाइक की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी, इस साल के 5 माह के आंकड़े हैरान करते हैं, क्योंकि पिछले साल की तस्वीर एकदम उलट थी। 2017 में स्कूटर की बिक्री की ग्रोथ बाइक के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा, करीब 14% थी। महिलाओं और बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय होने की वजह से स्कूटर की बिक्री लगातार बाइक कंपनियों पर दबाव बना रही थी। यहां तक कि होंडा एक्टिवा से मुकाबले के लिए हीरो मोटो, महिंद्रा और महिंद्रा और टीवीएस ने भी नए नए मॉडल उतार दिए थे, जिन्हें बाजार से अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। बजाज ने स्कूटर बंद किया था। इसके पहले 2009 से पहले बाइक का ही दबदबा था, और यही वजह है कि बजाज ऑटो ने स्कूटर बनाने ही बंद कर दिए थे, लेकिन होंडा ने आकर स्कूटर मार्केट की तस्वीर ही बदल दी। इसके बाद स्कूटर मार्केट की ग्रोथ ने बाइक कंपनियों को नई स्ट्रेटेजी के लिए मजबूर कर दिया। क्या 2018 स्कूटर बाइक कंपटीशन में बाइक की जीत वाला साल बनेगा? 2018 के पहले 5 माह में बिक्री SIAM बाइक 22.44% ग्रोथ के साथ 57 लाख, स्कूटर 15.68% ग्रोथ के साथ 28.4 लाख। साल 2018 में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में बाइक की बिक्री की रफ्तार स्कूटर के मुकाबले अधिक रही। बाइक की तुलना में स्कूटर की बिक्री अप्रैल में 12.63% की बढ़ी, जबकि मई में 1.40% घट गई। स्कूटर सेगमेंट को खतरा नहीं, इस मामले में मार्केट लीडर है होंडा, लेकिन टीवीएस मोटर, सुजुकी मोटरसाइकिल और पियाजियो ने भी स्कूटर सेगमेंट में नए नए मॉडल उतार दिए हैं। इसलिए जानकारों का कहना है कि स्कूटर की डिमांड में आई कमी अस्थाई है। उनके मुताबिक ऑटोमेटिक स्कूटर की डिमांड बरकरार है। इसमें कंफर्ट और आसान मेंटेनेंस को देखते हुए इसमें कमी आने के आसार नहीं के बराबर है। इसलिए सही सही ट्रेंड पकड़ने के लिए दिवाली तक इंतजार करना होगा।